नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर कर रहे थे और काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि आज हम लोग वो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए तो हम लोग वो एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। हमने देखा कि मुकेश के जो पेरेंट्स हैं वो शुरू से, चाहे वो भाई है, उसके पिता हैं, वो इस बैंगल मेकिंग बिजनेस में लगे हुए हैं। तो जब लेखक उसके घर जाता है तो वो लोगों से मिलता है और अब वो क्या आगे कहते हैं ये हम देखते हैं। इट इज़ हिज करण हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी कहती है कि ये तो इन लोगों का कर्म है, डेस्टिनी यानी कि इनकी किस्मत है, डेस्टिनी यानी किस्मत। सेज मुकेश ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। उन्होंने जिसने कि अपने खुद के हस्बैंड को इस ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करने की जो डस्ट होती है उससे अंधा होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? कि क्या भगवान द्वारा दिया गया जो एक लाइन है उसको तोड़ सकते हैं? शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स द दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड। कि वो लोग बैंगल मेकिंग लोगों की जाति में जन्मे हैं, इसी कास्ट में जन्मे हैं, तो उन्होंने शुरू से बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस घरों में, उनके यार्ड जो बाहर बरामदा या जो ओपन एरिया है वहाँ बैंगल्स है। इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर घर में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे यार्ड में और यहाँ तक कि हर गली में सिर्फ बैंगल मेकिंग्स है। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन माउंट्स ऑफ अनकैम्प्ड यार्ड। अब वो बताती है कि स्पायरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की पूरी स्पायरल है। स्पायरल यानी कि ये स्प्रिंग टाइप होता है, सनी गोल्ड एकदम सुनहरी, फिर पेडी ग्रीन घास के जैसी हरी, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ये सारे कलर गिनाती कि सात कलर में से जो भी कॉम्बिनेशन से कलर निकलते हैं सारे कलर की चूड़ियां हैं। इन लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, मटमैले से ढेरों में वो चूड़ियां पड़ी हैं। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंडकार्ट्स, हैंडकार्ट होते हैं हाथ के थैले, कि चार पहियों वाले हाथ के थैलों में भी ये हैं। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स इन द शेंटी टाउन। शेंटी मतलब रेत का, तो वो कहती है कि हैंड कार्ट जो कि यंग या जो जवान लड़के हैं वो गलियों से, जो मटमेले गांव की गलियों से निकल के बेचने के लिए जाते हैं। इन द डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स होते हैं अस्थाई मकान या जो टूटे फूटे कच्चे मकान होते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम इन फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। और उन मकानों में, टूटे फूटे मकानों में क्या होता है, ऑयल लैम्प्स, मिट्टी के तेल के जो लैम्प हैं उनमें सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर ग्लास इनटू द सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। बच्चे भी, लड़के लड़कियां अपने माता पिता के साथ वहाँ बैठ कर वो कांच की चूड़ियों के गोले जो हैं वो मेंड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, कंप्लीट चूड़ी बनाते। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। अब उन लोगों की आंखें जो हैं वो बाहर की जो रोशनी की बजाय उस अंधेरे के साथ ज़्यादा एडजस्ट है जो उस अंधेरी गुफा टाइप मकानों में हुए हैं। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग their right side before they become adults। और इसी वजह से वो जवान होते से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते क्योंकि वो अंधेरे में आँखों पर जोर मार के वो देखते हैं। सविता a young girl in drab pink साड़ी, एकदम फीकी मटमैले सी गुलाबी साड़ी में एक यंग लड़की है सविता, sits alongside an elderly woman shouldering pieces of glass,
सविता नाम की एक यंग लड़की है जो एक एजेड सी लेडी के साथ बैठ के कांच के टुकड़े जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, मशीन के पहियों की तरह या मशीन की कल पुर्जों की तरह उसके हाथ भी मैकेनिकली चलते हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंक्सिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक सिंबलाइज एन इंडियन वुमन सुहाग। वो काश उस चूड़ियों के महत्व को समझ पाती, क्योंकि ये चूड़ियाँ एक सुहागन, इंडियन सुहागन के हाथों का, मैं वो ऑस्पिशियस इन मैरिज और ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, हर शादी का जो पवित्रता है उसको वो समझ पाती। इट विल डॉन हर सडनली, इट विल डॉन हर सडनली वन वे वन डे व्हेन हर हैंड इज ड्रैब्ड विद अ रेड वायल। वो ये तब समझेगी जब उसके अपने सिर पे लाल कलर का घूंघट आएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इन टू हर रिस्ट कलाई, कि वो कब समझेगी जब उसके हाथों में लाल मेहंदी लगेगी और हाथों में लाल चूड़ियाँ पहनेगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइट लाइक ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन रिस्ट बट नो लाइट्स इन हर आइज, कि सविता कब समझेगी जब उसके चेहरे पे लाल चुनरी आएगी और हाथों में लाल मेहंदी लगेगी, हाथों में कलाई में लाल चूड़ियाँ सजेगी, बिल्कुल उस औरत की तरह जो उसके साथ में बैठी है, जो खुद भी कभी एक दुल्हन बनी थी, अभी भी उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ हैं बट आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर पर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो बूढ़ी औरत है वो कहती कि बहुत समय से एक शेर खाना भी नहीं खाया है, जिसकी आवाज़ में खुशी नहीं है। शी हैज़ नॉट जॉइन एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, उस एजड औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक टाइम भी पेट भर खाना नहीं खाया है। मीन्स दे आर एक्सेप्शनली, दे आर एक्सट्रीमली पुअर, जिनको दो वक्त की रोटी तक नहीं मिलती और वो दुनिया भर की औरतों के लिए सुहाग का सामान जुटाती है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड शेज नोइंग नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका पति जिसकी एक लंबी सी दाढ़ी है वो भी कहता है कि मैं सिवाय चूड़ियों के कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया है, अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना दिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि अगर उसकी बात सुने तो उसने पूरी ज़िंदगी में एक घर तो बना दिया, अपने घर सर पे छत तो मैनेज कर ली, क्योंकि बहुत लोग तो ये भी फेल हो जाते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेसमैन बिजनेस मेकिंग बैंगल्स। अब क्या है कि क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, हर इंसान के वहाँ पर, हर इंसान के दिमाग में यही है कि हमारे पास पूरा पैसा, मतलब मनी भी नहीं है, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन हर एवरी होम। हर घर में एक ही आवाज़ है कि बिजनेस में क्या पैसा लगाएं, खाने को तो रोटी भी नहीं है। द यंग मैन आर द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और यंग मैन जो हैं वो अपने बड़े बूढ़े जो हैं उन्हीं की जो उदासी है या तकलीफें उनको ढो रहे हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, कि लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि शायद ही समय के साथ कुछ बदला है। यर्स माइंड नंबिंग ऑयल टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कि सालों साल जो एक नंबिंग होता है सुन, दिमाग को सुन कर देने का वाला, उन्होंने जो मेहनत की है साल दर साल, वो
किसी भी तरह का सपना देखने और सपने देखने की पहल करने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो चुका है। तो बच्चों, आई होप काफ़ी लेंदी हो रहा है, वील कम्प्लीट इट टुमारो, सॉरी बच्चों, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाती हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा बोरियत हो रहा है। सो वील कम्प्लीट द लेसन टुमारो, स्टे विद मी, थैंक यू।